सबको स्वागत है आपका विदिशा एजेंट्री न्यूज़ में। नाम कृष्णकांत सिंघारी, अब देखते दिन भर की खास खबर। रंगों का पर्व होली सहित अन्य त्योहारों के चलते सिटी कोतवाली में शहर के जिम्मेदारों की हुई बैठक, कानून व्यवस्था पालन हेतु आवश्यक बातों पर हुई गहन चर्चा। दो युवकों द्वारा फांसी लेकर आत्महत्या करने का मामला आया सामने, सिविल लाइन पुलिस द्वारा दी गई जानकारी। नीमताल गांधी चौक पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं द्वारा अपनी मांगों को लेकर हड़ताल के छठवें दिन धरना प्रदर्शन है जारी, कांग्रेस नेत्री प्रियंका करा रही समर्थन। अब खबर विस्तार से। कलेक्ट्रेट के सभागार में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एडीएम वरिंदर सिंह द्वारा राजस्व संबंधी बैठक आयोजित हुई, जिसमें सभी राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे और गहन चर्चा की गई। कनाड़ा क्रिकेट मैदान में चल रही 52वीं क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान क्रिकेट खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन के लिए कुरवाई विधायक हरी सिंह सप्रे, पृथ्वीपुर विधायक शिशुपाल यादव मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। आज का मैच मथुरा और भोपाल डिवीजन के बीच खेला गया। विधायक जी का स्वागत करें। बहुत बढ़िया विधायक जी, नारा क्रिकेट क्लब अपने आप में प्रदेश का माना हुआ क्रिकेट क्लब है और विदिशा ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश की प्रतिभाओं को और देश की प्रतिभाओं को निखारने का अपने आप में सर्वोत्तम कार्य कर रहा है। इस अवसर पर हमारी कनारा क्रिकेट क्लब और उसके खिलाड़ियों के लिए और पूरी टीम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आने वाले कल में कनारा क्रिकेट क्लब राष्ट्रीय स्तर का क्लब हो, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो कनारा क्लब ने सारे बच्चों को बड़ों को बहुत संवारने का इतने सालों से प्रयास कर रहा है, तो हमारी उनसे यही वो है कि महिलाओं को मतलब लड़कियों को भी टीम बना के महिलाओं को भी इस उसमें आगे करें तो देश के मानचित्र पे विदिशा का नाम हो। होली उत्सव सहित अन्य त्योहारों के चलते सिटी कोतवाली में शहर के वरिष्ठ व गणमान्यों की बैठक सम्पन्न हुई। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, राजस्व विभाग सहित अन्य महत्वपूर्ण विभागों के जिम्मेदार मौजूद रहे। त्योहार पर कानून व्यवस्था नगर के चाक चौराहों पर मुस्तैद रहेगी। शहर में होनी अनहोनी घटना संबंधी विचार विमर्श हुआ, सभी ने अपनी बात सुरक्षा के मद्देनजर रखी। होली की व्यवस्था को देख के आज शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी। इसमें समाज के गणमान्य नागरिक और धार्मिक बंधुजन सब लोग एकत्रित हुए थे। यहाँ पर किस तरीके से आने वाले जो त्यौहार है, चाहे वो होली का हो, आपका रंग पंचमी का हो, गुड फ्राइडे का हो या शब्बे बारात का हो, इसको लेके पुलिस की व्यवस्था दुरुस्त रहेगी। हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज़ को लगा दिया गया, साथ ही साथ हमारी कॉम्बिंग प्लाटून भी यहाँ पर लगी रहेगी। सुरक्षा की दृष्टि से घाटों पर भी पुलिस बल उपलब्ध रहेगा और पूरी तरीके से पुलिस बल मुस्तैद रहेगा। आने वाले जो त्यौहार है, अभी गुड फ्राइडे है, होली है, शब्बे रात है और रंग पंचमी है, और इसके बीच में कुछ जो है धार्मिक प्रयोजन के जुलूस वगैरह भी हैं। उन सभी को हम समुचित रूप से गरिमापूर्ण तरीके से हमारे विदिशा शहर में निकाल सकें, त्यौहार सारे जो रहें वो गरिमापूर्ण तरीके से मने, एक दूसरे का सम्मान करते हुए त्यौहारों का आयोजन हो, इस बात को लेकर के प्रबुद्ध जनों की यहाँ पर बैठक की गई थी, ताकि ये होली का दहन, धुलेंडी का त्यौहार और शबे रात, गुड फ्राइडे, रंग पंचमी, ये सभी त्यौहार बहुत अच्छे तरीके से हमारे शहर के नागरिक मनाएं और न केवल शहर के बल्कि देहात के इलाकों में भी इन त्यौहारों को गरिमापूर्णता और उत्साह तरीके से मनाया जाए, क्योंकि कोरोना इस साल नहीं है, कोई बंधन इस बार नहीं है, तो उन संबंध में समाज की क्या ड्यूटी है, व्यक्तियों की क्या ड्यूटी है, लोग अपने बच्चों को समझा के रखें, तेज वाहन ना चलाएं, नशा करके वाहन ना चलाएं और त्यौहार को गरिमापूर्ण तरीके से मनाएं। उसी दिन सब सवाबे इसाले की निस्बत से कब्रिस्तान जाएंगे और मस्जिदों में रात भर इबादत रहेगी। होली और सबे कदर दोनों एक दिन पड़ रही है, तो इसीलिए मैं विदिशा शहर के तमाम हिंदुस्तान के लोगों को होली की मुबारकबाद देता हूं और इंशाल्लाह शांति और सद्भावनाओं के साथ हमारा शहर जिस तरीके से अमन का टापू है उसी तरीके से दोनों त्यौहार मनेंगे इंशाल्लाह।
हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जिनके यहाँ अनरा वगैरह होता है उनके यहाँ जा करके उनके दुख को दूर करने का प्रयास हम लोग करते हैं। विदिशा शांति का क्षेत्र है और यहाँ पर सभी त्यौहार हम लोग मिलजुल करके मनाते हैं। इसी समय होली के समय ही रमजान भी शुरू हो रहा है, हमारी इसके बाद नवरात्रि भी आ रही है। तो सारी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन ने सभी जगह नदी घाटों पर और जहां जहां ये होली का जलाई जाएंगी वहां सब व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है। मैं सभी विदिशावासियों से अनुरोध करता हूं कि ये हमारे उत्साह का त्यौहार है, इसको उत्साह के साथ मनाएं, रंग में भंग ना हो, किसी को हमारे इस त्यौहार के मनाने से तकलीफ ना हो, सब लोगों के दुख को दूर करें और सबके लिए अपनी शुभकामनाएं प्रदान करें। शहर के अलग अलग स्थानों पर दो पुरुषों द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। पहला मामला ग्याराम कॉलोनी निवासी अंकित सलावट उम्र 38 वर्ष, जिसकी 3 बच्चियां भी हैं, फांसी लगाई गई। वहीं दूसरे मामले में पहु पड़रिया निवासी सुंदर सिंह राजपूत द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या की गई। सिविल लाइन पुलिस के जेएन चौहान ने दी जानकारी। फांसी लगाई भैया ने, क्या नाम था इनका? इनका नाम अंकित सलावट था, इनकी उम्र 28 से 30 वर्ष है और इनका फांसी लगाने का रीज़न ये रहा है कि ये 2-3 बार इस प्रकार की वारदात कर चुके हैं और थोड़ा नशे मशे की हालत में थे और काम करते हुए आए थे खाना खाने, और किसी कंडीशन से इनके दिमाग में क्या आया क्या नहीं आया भगवान जाने। कितने बच्चे हैं इनके भैया? इनके बच्चे 3 हैं, और 1 5 साल की बच्ची है और 1 7 साल की बच्ची है और 1 6 साल की बच्ची है, 3 बच्चियाँ हैं। और वैसे परिवार का पालन पोषण महत्वपूर्णता इनकी रहती थी। परिवार में कौन है जिम्मेदार? जो परिवार की जिम्मेदारी तो एक छोटा भाई है और 1 माँ है। छोटे भाई क्या करते हैं? छोटे भाई इनके इंदौर में दीदीगन रहते हैं और 1 छोटे भाई वो भी मजदूरी का काम करते हैं। कहाँ रहते हैं? ग्राम पड़रिया। ये भैया ने जो फांसी लगाई है कौन है आपके? छोटा भाई। कितनी उम्र थी इनकी? 38 साल। क्या करते थे ये? मजदूरी। फांसी कहाँ लगाई इन्होंने? दिल्लान में लगाई। कितने बच्चे हैं इनके? नहीं है बच्चे, शादी नहीं है। फांसी का मामला आ रहा, कहाँ का मामला है? ये आगेराम कॉलोनी का है और ये लड़का है अंकित सलावट, मजदूरी करता था और कल दोपहर बाद घर पर आया था खाना खाने के लिए और खाना खा के घर पर रहा, उसके बाद उसने फांसी लगाई है। तो फांसी क्यों लगाई है ये ज्ञात नहीं हुआ है, क्योंकि घर में कोई दिक्कत विक्कत थी नहीं जो प्राप्त जानकारी है मेरे पास। परिवार में कौन-कौन? कोई समस्या नहीं थी। परिवार में इसके पिता, माता, बाकी अन्य सदस्य हैं और ये शादीशुदा है, इसके 3 बच्चे हैं, मजदूरी करता था और कहीं कोई ऐसी बात नहीं आई है। कृषि उपज मंडी में बड़ी संख्या में किसान अपना अनाज लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से पहुंचे। अनाज व्यापारियों ने किसानों के अनाज की नीलामी में भाग लिया। शुक्रवार को होली, 19 तारीख, शनिवार को दूज, 22 तारीख। विट्ठल नगर स्थित श्री गोवर्धननाथ मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा के दौरान रुक्मणी विवाह संपन्न हुआ। बड़ी संख्या में भक्तों ने कथा का लाभ लिया। लेकिन जिन्होंने भी ये निवेदन है कि इसमें सब झूम रहे ताकि हम आरती को जल्दी से जा सके। अनिल सोनी जी की तरफ से 201 रुपये की राशि और Yeah.
बोले बाके बिहारी लाल की और जो अदा इला सोता दाश प्राण से मुखा लगनी बदलता बाके बिहारी तेरी नीमताल गांधी चौक पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल के छठवें दिन बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन जारी रहा। कांग्रेस नीति प्रियंका करार भी धरना प्रदर्शन में उनके समर्थन में शामिल हुई। वहीं नन्हे मुन्ने बच्चों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के समर्थन में अपनी बात रखी। मुझे अपनी मांग पत्र यहां से मिला। आपकी जो मांगे हैं उन मांगों के लिए जब मेरी शाम को माननीय हमारी बहन जी मिलिए श्रीवास्तव जी से बात हुई, मैंने उनसे उनसे ये जानकारी ली, क्योंकि मेरे पास सतना से हमारी एक बहन का फोन आया था कि वो अपनी मांगों को लेकर सतना में धरने पे बैठी हुई है और उनके ऊपर प्रशासन द्वारा दबाव डाला जा रहा है, उनकी सेवा समाप्ति का दबाव लोगों को नहीं मान रहा है और इस भरी गर्मी में उन लोगों के लिए धरना आंदोलन करने के लिए बुरा सुनना पड़ रहा है। बहनों, मैं यहाँ किसी राजनीतिक पार्टी की बात करने नहीं आई हूँ, क्योंकि आपकी मांग जायज है, इसलिए मैंने इस बात से हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को अवगत कराया, क्योंकि वो विधानसभा में विधायक दल के नेता भी है और मेरा ऐसा सोच था कि दल का काम में नहीं चलता, काम तो ज्यादा करवाते हो लेकिन पैसे कम देते हो। लेकिन चलाइए बिल्कुल बैठी हमने सोचा तोता है जब याद तुम्हारी आती है जो चुपके चुपके रोता है। क्या बात है, मिलकर मिलकर रहते हैं और दिल में समा जाते हैं जो मिलकर नहीं मिलते। कोई दिक्कत नहीं, बच्चे भगवान करो। हाँ ठीक है, आप बोलवाओ दीदी। दीदी बैठ के दीदी एक बार वो बोलती भारत भारती संस्कार महिला मंडल द्वारा स्थानीय बाल विहार में वृक्षारोपण किया गया। पर्यावरण संरक्षण का संदेश समाज सेवी महिलाओं द्वारा दिया गया। सबके वो बैठे हैं लास्ट, वो बेचारी अम्मा भी कर रही है। धूप है कि ये धनिया है क्या? चलो आप लोग आ जाओ। अरे आप तो फोटो मैं खींच रहा हूँ ना, आप पूछा आओ हाथ लगा लो फिर। बाल विहार में 28वां वृक्षारोपण किया गया है। बाल विहार समिति ने जो बाल विहार को पुनर्जीवित किया है, इससे हम लोग ने प्रेरणा लेके आज होली के उपलक्ष्य में बाल विहार में पेड़ लगाए हैं। पौधे हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, लेकिन वो एक टाइम जाके बड़े होंगे और हम सबको मन में अच्छा लगेगा। तो इतना डेकोरेट किया गया, इन लोगों ने बहुत बाल विहार समिति द्वारा इसको सजाया। उस होली के उपलक्ष्य में हम लोगों ने भी यहाँ पर पौधे लगाए हुए हैं, जिससे बाल विहार और सुंदर दिखेगा। आज की खबरों को देते हैं, आप देखते रहिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।